दोस्तों, दमन मूवी को लेकर विराट कोहली का रिएक्शन सामने आया है। दमन को लेकर विराट ने भी अपनी खुशी जाहिर की है, साथ ही एक डायरेक्टर ने भी दमन देखने के बाद अपना इमोशन रिएक्शन दिया है। दमन के पास लिमिटेड स्क्रीन होने के बाद भी बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, दमन को रिलीज हुए एक वीक हो चुका है और दमन पठान जैसी फिल्म को लगातार टक्कर भी दे रही थी। पठान का हमने एडवांस बुकिंग देखा तो 10-20 लोग ही पठान को देखने आ रहे हैं। दोस्तों, दमन के थिएटर में इतने लोग आ रहे हैं, फिर भी दमन को कम ही स्क्रीन मिले हैं। पठान ज्यादा कमाई इसलिए भी की क्योंकि उसको 5000 स्क्रीन मिले और चिल्ला चिल्ला कर मीडिया वाले इसकी बात करते नजर आते हैं। वही दमन के बारे में बहुत कम ऐसी मीडिया जो लिखती है और इंटरव्यू लेती है। दमन अपने बजट के हिसाब से अच्छी कमाई कर रही हैं और फिलहाल ये फिल्म हिंदी में 1,55,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों, हिंदी में दमन की अच्छी मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं हुआ, यही वजह है कि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चला। दोस्तों, अगर दमन दिसंबर में रिलीज होती तो उस वक्त इस फिल्म का एक क्रेज था और मेकर्स भी इस बात को मानते हैं, लेकिन दमन की टीम के पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था जो पैन इंडिया रिलीज कर सकता था। दूसरी तरफ साउथ वाले इस फिल्म को सपोर्ट किए थे। अगर ये फिल्म साउथ का स्टूडियो रिलीज करते तो इसको कम से कम 800 स्क्रीन मिल जाती, क्योंकि कांतारा को भी केजीएफ की कंपनी होम्बले ने ही हिंदी में रिलीज किया था। यही वजह थी कि उसका प्रमोशन बड़े लेवल पर हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं विराट का दमन के बारे क्या रिएक्शन आया है। दोस्तों, रिसेंटली विराट कोहली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विराट कहते हैं कि इस फिल्म को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इस फिल्म की कहानी से काफी प्रभावित हुआ हूं और साथ ही वो पूरी दमन टीम को भी धन्यवाद करते नजर आते हैं। दोस्तों, दमन को कुछ अभी हासिल करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है और अगर आपने इसे देखा है तो आप खुद जानते हैं कि फिल्म में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, इतने कम बजट में सिनेमा बनाना अपने आप में एक महान काम है और उसके लिए हम दमन की पूरी टीम को सलाम करते हैं।